बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां सरकार बनने के 32 दिनों बाद इस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 36 नेता, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता शामिल है। और सबसे बड़ी बात, अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की जो है शपथ ली है, और आदित्य ठाकरे सबसे युवा कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को उद्धव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। पहली बार आदित्य ठाकरे ने भी कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। आज कैबिनेट विस्तार में कुल 36 मंत्रियों ने शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में कुल 25 कैबिनेट मंत्री, 10 राज्य मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। शपथ ग्रहण के लिए विधान भवन में पंडाल सजाया गया, जहां करीब 5000 मेहमानों को बुलाया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। सबसे पहले अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने इससे पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। अब वे एनसीपी के कोटे से उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को भी कैबिनेट में जगह मिल गई है। अशोक चव्हाण राज्य के पूर्व सीएम शंकर राव चव्हाण के बेटे हैं। उनका नाम आदर्श घोटाले में आ चुका है। वे खुद भी राज्य के सीएम रह चुके हैं। वहीं एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। अजित पवार के बीजेपी के साथ जाने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। कांग्रेस की ओर से वर्षा गायकवाड़ ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे 4 बार विधायक रह चुकी है। वे कांग्रेस का दलित चेहरा भी है। बता दें कि कांग्रेस के 12, एनसीपी के 14 और शिवसेना के 16 विधायकों ने कैबिनेट और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में पीएमओ की तर्ज पर सीएमओ बनाए जाने की भी खबर आ रही है। सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी कामकाज को संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।